नमस्कार, मैं हूं रूपावना शर्मा और आप देख रहे हैं इंदौरिया टाइम्स। कोटपुतली नगर परिषद द्वारा मास्टर प्लान व रियासत कालीन क्षेत्रीय ठिकाने के नक्शे के अनुसार सड़कों की चौड़ाई बढ़ाए जाने को लेकर निर्माण हटाए जाने का कार्य आज अनवरत से जारी रहा। नगर परिषद द्वारा सड़क चौड़ाईकरण को लेकर तीसरे चरण की कार्रवाई के अंतर्गत शनिवार को निशानदेही करते हुए उच्च न्यायालय से स्टे प्राप्त भवनों को छोड़कर 104 साइटों से पूरे लाभ लश्कर सहित अतिक्रमण हटाए जाने का क्रम जारी रहा। तीसरे चरण की कार्यवाही के अंतर्गत नगर परिषद के नेतृत्व में राजकीय सरदार सीनियर सेकेंडरी स्कूल से शनि मंदिर एवं नगरपालिका चौराहे से नगरपालिका पार्क के बीच 104 साइटों से अतिक्रमण हटाए जाने के लिए परिषद प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहा। कार्रवाई के दौरान प्रशासनिक उपस्थिति की यदि बात की जाए तो एडीएम जगदीश आर्य, एएसपी विद्या प्रकाश, एसडीएम ऋषभ मंडल, तहसीलदार सूर्यकांत शर्मा, परिषद आयुक्त फतेह सिंह मीना, पुलिस उपाधीक्षक डॉक्टर संध्या यादव, थाना इंचार्ज सवाई सिंह शेखावत पुलिस के जवानों के साथ जमे रहे। परिषद द्वारा निर्धारित सड़कों की चौड़ाई मुख्य चौराहे से अग्रसेन तिराहे तक 80 फीट एवं पुतली कट से बांसुर रोड तक 7 फीट किया जाना अपेक्षित है। परिषद की ओर से प्रथम कार्यवाही 6 अगस्त 2022 मुख्य चौराहे से पुरानी नगरपालिका तिराहे व शनि मंदिर से सरदार स्कूल तक के 68 निर्माण हटाए गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप भरभीत व्यापारियों द्वारा बड़े पैमाने पर स्वयं दुकान और मकान खाली कर भवनों को तोड़ना शुरू कर दिया। प्रथम चरण की कार्रवाई के दौरान सीआरपीएफ के अधिकारी का यह कहना कि अतिक्रमण अभियान के दौरान विरोध का सामना करने के लिए हमारी तैनाती की जाती रही है, लेकिन यहां विरोध देखने को ही नहीं मिला विचारनीय प्रश्न है। Thank you.
तार का नीचा कर जाओ, तार खोल रहे जी। Thank you.
आबाद शहर की बर्बादी रिकॉर्ड तो कर लेने दो, कभी दस्तावेज काम आएगा। सर आप लोग आए थे हमारे ड्यूटी कर रहे हैं, ड्यूटी है हम तो खुद ही आवाज रात जी को ले मैं खुद भी शायद पहली बार ही देख रहे होंगे आप मुझे। मैं उन दिन भी लगाया था, पूछा तारीख को भी, तो जो लोग टीम भेज रही है मैं वो भेज रहा हूँ। यही स्टेप दिखाऊंगा मैं, दूसरा नहीं दिखाऊंगा। अच्छा लग रहा Thank you.
तृतीय चरण की कार्रवाई है जो भी चल रही है, और नगर पालिका नगर परिषद की सूचना के अनुसार आज लगभग 104 साइट हैं कचरे पर के अतिक्रमण है वो हटाए जाएंगे थर्ड फेज में। जी, ऐसा माना जा रहा है कि कुछ लोगों को स्टे मिला है फिर भी कार्रवाई हो रही है, इसमें कितनी सत्यता है? इसमें जो जिन जिन के पास माननीय न्यायालय का स्थगन है उनको बिल्कुल टच नहीं कर रहे और निर्णय होने के बाद ही कार्रवाई होगी। नहीं, बिल्कुल सहयोग कर रहे हैं सब, आगे से बढ़ के सहयोग कर रहे हैं। ज़्यादातर ने स्वयं ने हटाया और जो अब ये डेब्रीज वगैरह पड़ी है ये हटवाने का भी कार्य है।